हम मांगरोल कस्बे में। अब जब मांगरोल कस्बे में आए हैं तो जो मांगरोल का युद्ध है जो 1 अक्टूबर 1821 को हुआ था, उसके उपलक्ष्य में जो ये स्मृति के रूप में राम सिंह द्वितीय द्वारा 1846 में ये गढ़नुमा बाग जो बनवाया गया है, जिसमें एक बावड़ी है, दो मंदिर हैं और बड़े बड़े गेट हैं जिसमें झरोखे हैं, और ये रिहायशी स्थल है और वो वहाँ पर छतरी बनी हुई है। तो उसी के साथ अब हम देखते हैं यहाँ पर कि मांगरोल की स्थापना पूर्व मध्य भारत के गांव जावेदसर से पलायन करके आए गुगली गोत्र के मांगलिया मीणा द्वारा एक छोटा सा गांव बसाकर की गई थी। शिवपुर बड़ौदा के गोड़ राजा ने मीणा को अपदस्थ कर मांगरोल को अपने कब्जे में ले लिया था। बूंदी के हाड़ा राजा ने गोड़ों से मांगरोल को जीत कर अपने अधीन कर लिया। इसके बाद बूंदी राज्य का शासन राव सुरजन हाड़ा के अधीन था। मुगल बादशाह शाहजहां के फरमान पर बूंदी राज्य से कोटा राज्य के संस्थापक राव माधो सिंह हाड़ा को सन 1631 में यह परगना जागीर में मिला। कोटा स्टेट के राजा महाराव भीम सिंह हाड़ा प्रथम ने मांगरोल को सन 1707 में कोटा राज्य में शामिल किया। और इसी के साथ हम देखते हैं जो मांगरोल का युद्ध हुआ था वो काफी ऐतिहासिक था, जिसमें एक तरफ सेना नायक और फौजदार छालिम सिंह छाला और उसके साथ थे अंग्रेजों की फौज, और दूसरी तरफ थे महाराव किशोर सिंह। इस युद्ध में महाराव किशोर सिंह की हार हुई और उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह वीरगति को प्राप्त हुए, जिसके लिए जो अंग्रेज अफसर उसकी जो स्मारक है वो वहाँ पर बमोरी कला जो गांव है उसके राइट हैंड साइड में एक सुरली जगह है जहाँ पर बनवाया गया है, और दूसरा जो स्मारक है वो गढ़नुमा क्षेत्र में जो राम सिंह द्वितीय थे उन्होंने 1846 में ये जो बाण गंगा नदी इधर बह रही है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये आप जो देख रहे हैं गढ़नुमा भवन, इसमें जो पृथ्वी सिंह की जो छतरी है वो दूर वहाँ पर है उसको हम देखेंगे, इसमें बनवाया ताकि उनकी याद को सुरक्षित रखा जा सके। और जो मांगरोल का युद्ध है उसमें जब कोटा के महाराव की हार हुई तब मेवाड़ के महाराणाओं ने हस्तक्षेप करके इन दोनों के बीच में संधि करवाई और 1857 तक यही परंपराएं और संधियों के अनुसार ही राज्य का काम चलता रहा। तो ये इसकी ऐतिहासिकता है कि मांगरोल के युद्ध में यहाँ पर कोटा के राजाओं की हार हुई थी। तो जब भी मांगरोल आना हो तो इस ऐतिहासिक स्थल को देखिए।